नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स। दोस्तों यह वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा यूजर्स के लिए, या कहें तो विजया बैंक देना बैंक यूजर्स के लिए, क्योंकि तीनों बैंक जो है आपस में मर्ज हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है मर्ज हो गया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से व्हाट्सअप बैंकिंग का पूरा उपयोग किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से व्हाट्सअप बैंकिंग एक्टिवेट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, और उसमें थोड़ा बेसिक यूज़ मैंने बताया था। इस वीडियो में आपको पूरा जो है उपयोग बताऊंगा। ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया, उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर चलिए मैं जो है अपना WhatsApp ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले आपको जो है अपने कॉन्टैक्ट में एक नंबर सेव कर लेना होगा, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो उसे जाकर आप जरूर देखें। उसके बाद यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ BOB, क्योंकि मैंने BOB के नाम से जो है अपना ये नंबर सेट किया था, सेव किया था, ठीक है। फिर आप जब भी इसमें आएंगे, जैसे कि मैं आज आया, फिर कल जाऊँगा, फिर परसों जाऊँगा, तो वैसे मैं आपको क्या करना, हाय लिख के इसमें जो है सेंड करना होगा। जैसे आप हाय लिख के सेंड करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह का आपको कुछ यहाँ पर दे देगा, देख सकते हैं, और सारे यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे मुझे जानकारी मतलब चाहिए अकाउंट सर्विसेज की, अगर आपको डेबिट कार्ड यहाँ ब्लॉक करना है तो 2 लिख के आप क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे। फास्टैग यहाँ पर दिया हुआ है तो 3 लिख के रिप्लाई कर देंगे, लेकिन मैं अभी आपको फर्स्ट वाला बताता हूँ, 1 का, ठीक है, अकाउंट जो है अकाउंट सर्विसेज का। तो यहाँ पर मैं 1 लिख के सेंड कर दिया। जैसे 1 लिख के आप सेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जानकारी आ जाएगी, जैसे कि अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी चाहिए तो 1 लिख के सेंड कर देंगे। मिनी स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, उसके लिए आप यहाँ पर 2 लिख कर जो है सेंड कर देंगे। यहाँ पर आपको चेक रिक्वेस्ट यहाँ करना है तो आप 3 लिख के सेंड कर देंगे। चेक स्टेटस देखना है तो यहाँ 4 दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ ईमेल आईडी अगर आपको पता करना है कौन सा आपके अकाउंट में लिंक है, तो आप 5 लिख कर यहाँ पर सेंड कर देंगे। इसी तरह यहाँ कस्टमर आईडी के लिए यहाँ पर 6 लिख के यहाँ पर आपको सेंड कर देना। तो चलिए मैं जो है पहले जो है अकाउंट बैलेंस चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर 1 लिख के जो है सेंड कर देता हूँ। तो चलिए 1 लिखते हैं और सेंड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तुरंत ही एक रिप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 6255 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम उसी पिछले वापस बैग जाना, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टार लिख के हमको सेंड करना होगा, तब हम रिटर्न जाएंगे। अगर मेन मेन्यू में जाना है तो हैज़ लिख के सेंड कर देना। तो चलिए मैं स्टार लिख के जो है सेंड कर देता हूँ। तो जैसे ही स्टार लिख के सेंड करेंगे तो हम फिर से पिछले जो है पेज में आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर जहाँ हमने बैलेंस चेक किया। अब देखिए 2 लिख के सेंड करेंगे तो अपना मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा, तो 2 लिख के मैं जो है यहाँ सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो 5 ट्रांजेक्शन है लास्ट, वो यहाँ पर जो है शो हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो गया है ना। इसी तरह से यहाँ भी फिर से आपको क्या करना है, वापस जाने के लिए फिर से आपको वही स्टार पे स्टार लिख कर फिर से आपको सेंड कर देना है। जैसे स्टार लिख के सेंड करेंगे फिर से आप उसी पेज में आ जाएंगे। तो तीसरा देख सकते हैं चेकबुक है ना, उसके बाद चौथा आपका चेक स्टेटस, फिर पांचवा आपका ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर है जानना है तो 5 लिख कर सेंड कर दीजिए। ईजिली आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका ईमेल आईडी आपके अकाउंट में रजिस्टर है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर मेरा ये वाला ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर है, दिखा दिया। इसी तरह कस्टमर आईडी जानना है तो 6 लिख कर आपको क्या करना है, फिर से सेंड कर देना। तो इसी तरह से आसानी से आप जो है अपना पूरा अकाउंट का जो डिटेल यहाँ पर कुछ पा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हैज़ यहाँ पर सेंड करते हैं, मेन मेन्यू में चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैज़ में आपको यहाँ पर मेन मेन्यू में क्या क्या, ये मेन मेन्यू है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है हमारा पूरा अकाउंट सर्विसेज दिखाएगा, जैसे कि मैंने अब दिखाया अभी, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस, चेकबुक रिक्वेस्ट, और अपना जो ईमेल आईडी चेक, और वो यूज़र आईडी है ना, तो वो सब देखने का। अब यहाँ पर देखिए 2 लिख के अगर सेंड करते हैं तो आपका डेबिट कार्ड आप ब्लॉक कर सकते हैं यहीं से आसानी से। 3 लिख के सेंड करेंगे तो आपका जो फास्टैग है उसकी जानकारी के लिए, ठीक है। 4th यहाँ पर देख सकते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए है, 4th यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन के लिए, और 4th आपका इंटरेस्ट रेट जो भी चार्जेस हैं उसकी जानकारी के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं 6 में हमारा जो चार्जेस उसकी जानकारी क्या है, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो मैंने 6 लिख कर जो है सेंड कर दिया, तो यहाँ हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है कुछ जानकारी भेजी गई और लिंक दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ का है। बाकी काफ़ी, लेकिन मुझे बढ़िया लगा यह चीज़ कि अगर आपको ना कॉल वॉल करने की झमेला है, ना आपको फ़ोन पे उन पे में घुसने की ज़रूरत है, ना मोबाइल बैंकिंग की, व्हाट्सअप में आए तुरंत बस हाय लिखे, 1 प्रेस किए, आपका जो बैलेंस चेक हो जाएगा, मिनी स्टेटमेंट आपको आपके व्हाट्सअप में मिल जाएगा आसानी से। तो उसको कमेंट करके बताएं मुझे ज़रूर कि आपको ये बैंक ऑफ बड़ौदा का व्हाट्सअप बैंकिंग सर्विस कैसा लगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।